में ड्रॉप्स हेयर ऑयल, नरिश्ड हेयर, स्टाइलिश यू। मुझे सके उम्मीद भी अब नहीं है। चांदनी को हमने नौकरी से निकाल दिया, आप उसे कहिए वो चली जाए। चांदनी को नौकरी से निकाल दिया? मेम साहब, दो हफ्ते में उसका ब्याह होने वाला है, उसके बाद तो वो वैसे ही यहाँ से। उसके ब्याह से हमें क्या लेना देना? आपको जितना मैंने कहा उतना कीजिए, हमने निकाल दिया उसे, उसे कहिए जाए। मेम साहब एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, चांदनी अगर चली गई तो रमा रसोई घर का काम नहीं कर पाएगी। मैं सोच रहा था कि चंद दिनों में कोई काम वाली का बंदोबस्त कर। चंद दिन के लिए आप रमा की मदद नहीं कर सकते, कह दिया ना हमें वो लड़की घर में नहीं चाहिए, तो फिर आप मेरे साथ बहस क्यों कर रहे हैं? उसे आधे महीने का पगार दीजिए और कहिए अभी चली जाए। जाओ। ठीक है। जैसा आप कहें। अचानक से क्या हो जाता है तुझे? कल तक तो एकदम ठीक थी, हंस बोल रही थी, फिर आज अचानक से चुप्पी साध ली। किसी ने कुछ कहा है तुझसे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर मुंह क्यों लटकाए तेरा? जब तू उदास हो जाती है ना तो मेरा मन भी नहीं लगता किसी काम में। बता ना क्या बात है? पता नहीं रमा, मन में अजीब अजीब विचार आ रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ। चांदनी, पता है तुझे, मेरे ना एक मामा जी थे, वो कहते थे कि जब इंसान ये सोचता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। देख लेना, तेरे साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। देख लेना, तू जो सोच रही है ना उसका उल्टा ही होगा। ईश्वर करे तू जहां भी है सुखी रहे। मैं कुछ समझी नहीं महाराज, अचानक मुझे आशीर्वाद क्यों दे रहे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस मुंह से तुम्हें यह खबर सुना। जो मेम साहब तुझे इतना चाहती थी वो आज अचानक। अचानक क्या? क्या हुआ महाराज, बोली ना। मेम साहब बहुत गुस्से, उन्होंने तुझे नौकरी से निकाल दिया। आज ये क्या कह रहे हैं आप? हरमा, मैं साहब नहीं चाहती कि चांदनी अभी इस घर में रहे। 15 दिनों का पकड़ दिया, लो। मैंने बोला था ना रामा, मेरे साथ आज कुछ बुरा होने वाला है। हमारे मामा जी की बातें भी गलत निकली। मेरी समझ भी ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। मेम साहब ने उसे क्यों निकाल दिया? आखिर क्या कसूर था चांदनी का? चांदनी में सारे गुण है, वो सुंदर है, अच्छे स्वभाव की है और थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी, लेकिन बस बस एक अवगुण है उसमें,
पर वो ये कि वो गरीब है। वीरेंद्र जी की तरह अमीर नहीं है। वीरेंद्र जी की तरह अमीर नहीं है मतलब क्या मतलब? चांदनी और वीरेंद्र जी एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं दोनों। और यही कसूर है चांदनी, और इसी कसूर की सजा मिली है उसे। हमें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन लेकिन जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हम फिर मिलेंगे। मुझसे नाराज तो आप हैं मुझसे। तो ऐसी बात पर मुझे नाराज होने का अधिकार भी नहीं है। नाराज होने का पूरा अधिकार है आपको, पर मैं ये समझता था कि डैडी और नरेंद्र भैया की सोच चाहे जैसी भी हो, लेकिन आप उनसे अलग हैं। अमीरी, गरीबी, नौकर, मालिक, इन सब के भेदभाव से एकदम दूर। फिर चांदनी के बारे में आपकी राय जानकर बस थोड़ा सा दुख पहुंचा था, और कुछ भी नहीं। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि इंसान में भेदभाव नहीं होते, सबको भगवान ने बनाया, लेकिन इंसान के जीवन में कुछ मर्यादा होती है। शादी ब्याह, रिश्तेदारी, ये सब में मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। देख तू सोच, तू चांदनी से ब्याह करेगा लेकिन उसके घर वालों से तू निभा पाएगा कैसे? और अगर नरेंद्र का ब्याह प्रिया जैसी किसी लड़की से हो गया तो उसके शर्मिंदगी महसूस होगी, सोचो। नहीं नहीं नहीं, नहीं माँ, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चांदनी अपने आप को इस परिवार के माहौल में ऐसा ढाल लेगी जैसे वो हमेशा से इस परिवार की थी। सच्चे बेटा, कितना नाज था मुझे तुम पर। मैं हमेशा ये सोचती थी कि तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। आज ऐसी बचकानी बातें सुनकर मुझे हैरत हो रही है। क्या हो गया है तुम्हें बेटा? एक चांदनी जैसी मामूली लड़की, देख बेटा, अच्छी है, हमारे घर की नौकरानी बनने के लायक है, इस घर की बहू नहीं। आप चांदनी के बारे में ऐसी बात कर अपनी होने वाली बहू का अपमान कर रही हैं मामा। आप मुझसे प्यार करते हो ना? करते हो तो मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए आप चांदनी को स्वीकार कर लो ना प्लीज। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम्हें मेरी खुशी की जरा भी परवाह है, तो तुम इस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल लो, क्योंकि चांदनी इस घर की बहू नहीं बन सकती। कभी नहीं। मामा,
इस बैग में तुम्हारे कपड़े और कुछ सामान है। चांदनी, मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी ने मेम साहब को तुम्हारे और उनके बारे में बता दिया। तुम्हें लगता है? मुझे तो पूरा यकीन है कि यही एक वजह है कि मुझे नौकरी से निकाला गया। समा, तुम्हें पता है वीरेंद्र जी आए थे घर पर, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो मुझसे ब्याह करेंगे। कैसे है वो? कुछ दिन पहले वीरेंद्र जी का मेम साहब और साहब से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वो इतनी जोर जोर से बोल रहे थे कि पूरी हवेली में उनकी आवाज गूंज रही थी। उसके बाद से वो किसी से बातचीत नहीं करते। कभी कभी टहलने निकल जाते हैं या फिर अपने कमरे में ही गुमसुम से बैठे रहते हैं। मत रो चांदनी, मत रो। मैं तुम्हारे लिए सच्चे दिल से दुआ मांग रही हूँ और सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ जरूर पूरी होती है। तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? कभी यहाँ बैठकर आप मेरा इंतजार करते थे और आज मैं आपका इंतजार कर रही थी। कुछ कहना चाहती हो मुझसे? हाँ, कहना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नहीं, मुझे नहीं मालूम तुम क्या कहना चाहती हो। आप नहीं जानते कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और क्यों निकाल दिया गया इसकी वजह भी नहीं जानते आप। वीरेंद्र जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपके घर में झगड़े हो। मेम साहब आपको बहुत चाहती हैं। अगर उनके खिलाफ जाकर आप उनसे ब्याह करेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। अब आप कहेंगे कि ये बातें मैंने पहले क्यों नहीं सोची, लेकिन क्या है ना कि जब इंसान प्यार में होता है तो सच को परे रख के झूठे सपने देखने लगता है। और मेरे साथ भी यही हो। मुझे मिनसब से कोई शिकायत नहीं। मिनसब की जगह अगर कोई और होती ना तो वो भी यही करती। मेरी तो बस आपसे विनती है कि आप मुझे भूल जाए। नहीं 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 चांदनी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें भुलाना चाहूंगा भी तब भी भुला नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इंसान अगर चाहे तो वो सब कुछ भुला सकता है। क्या तुम मुझे भुला सकोगी? बोलो बोलो चांदनी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे भुला पाओगी? नहीं, अगर मैं भूलने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपको भी मेरी कसम है कि आपको मैं तुम्हारी कसम खा के देता हूँ। चांदनी, चाहे चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितनी भी अड़चने आ जाए, कितनी बाधाएं आ जाए, लेकिन लेकिन मैं बस तुमसे शादी करूंगा और किसी से नहीं। तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा चांदनी, वादा करो कि तुम मेरा साथ दो। मैं वादा नहीं कर सकती। मेरी अगर परछाई भी आपके साथ रहेगी ना, आपको चैन और सुख से नहीं रहने देगी। आप मुझे भूल जाइए।
कैसे मनाऊं वीरेंद्र को, कैसे समझाऊं उसे कि ये शादी उसे बर्बादी के रास्ते की तरफ ले जाएगी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा हमारा परिवार। पता नहीं ये मनु उस लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में कैसे आ गई। हाय मॉम। हाय, बोलो। What's wrong with you, मॉम? आपके चेहरे पर इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? और बस सोच रही थी मैं, तुम बोलो ना। क्या सोच रही थी? अब तुम्हें क्या पता घर में कितनी परेशानियां होती हैं। मम्मा डोंट माइंड, पर एक बहुत बड़ी परेशानी आप खुद उठाकर इस घर में लाई हैं। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। मम्मा मैं फिर कहता हूं, उस ठोंगी औरत को घर से बाहर निकाल दो, वरना एक बार वो यहां जम गई ना, यहां से जाने का नाम नहीं लेगी। किसकी बात कर रहे हो? अरे आपकी लाडली बहन अनीता जी के बारे में। और किसके बारे में? अनीता के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। वैसे भी मैं अनीता के बारे में नहीं सोच रही थी। तो मामा किसके बारे में सोच रही थी आप? वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, बैठो बताओ, बॉम्बे गए प्रिया से मिले, क्या हुआ? मामा मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो तो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। अच्छा, खुश हो गई तुम्हें देखकर? यस मामा, और वैसे उसके मम्मी डैडी बहुत समझदार हैं। हम दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया और खुद दूसरे कमरे में चले गए। अच्छा, फिर क्या बातें की तुमने? हाँ मामा, वो मेरा दोस्त बनना चाहती है, एंड मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आई एम रेडी टू बी योर फ्रेंड। यू नो व्हाट मामा, उसने और क्या कहा? क्या? उसने कहा कि वो जल्दी हमारे घर आएगी और 3-4 दिन हमारे साथ ही रुकेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं संतोष को भी बोलूंगी, हाँ वो भी आ जाएगी। मामा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बातें तो मुझसे कर रही हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। अरे नहीं, तेरी बातें सुन रही, बस वो चांदनी है ना, वो ब्याह करके जा रही है, तो फिर नौकरी छोड़ देगी, तो महाराज परेशान है कि उसकी जगह किसे ले आएंगे, और अब महाराज परेशान है तो मुझे फिकर होगी ही ना। मामा यू डोंट वरी, एक बार मेरी प्रिया से शादी हो गई ना तो सारी जिम्मेदारियां वही संभाल लेगी, और आपको इन ये छोटी मोटी बातों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने कमरे में बैठकर अपनी बहू पर हुक्म चलाना। ठीक है, वैसा करूंगी। और हाँ मामा, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या? मामा आप प्रिया से मेरी शादी जल्दी करवा दो ना। करा दूंगी। थैंक यू मामा। मामा मैं चलता हूं। चांदनी की माँ हो? जी आप पहचाना मुझे? हाँ, आपको कौन नहीं पहचानता, बैठिए ना। खड़ी क्यों है? हमारी बहुत खुशकिस्मती की आप हमारे घर आई। चांदनी घर में नहीं है? है, अभी बुलाती हूँ। अब बैठिए आप, मुझे आपसे कुछ बात करनी। जी वो चांदनी का ब्याह तय हुआ है ना? बहुत खुशी हुई सुनकर, बहुत ही घरेलू लड़की है। मुझे पूरा यकीन है कि उसका पति और उसके ससुराल वाले उससे बहुत खुश रहेंगे। बंबई में नौकरी करता है ना लड़का? जी हाँ, बहुत अच्छी नौकरी है उसकी, बंबई में उसका घर भी है अपना। चलो, अच्छा पति मिल गया उसे। ये मैं उसके ब्याह के लिए कुछ चीजें लाई हूँ, कुछ शादी का जोड़ा है, कुछ सेवर। मैं देखूं? हाँ देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अरे
ये इतने सारे गहने, कपड़े, इतना सब सामान, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। नहीं, वो चांदनी ने मेरी बहुत सेवा की और हवेली में भी इतनी लगन से काम करती थी कि कभी लगाने की वो नौकरानी है, इसीलिए ये सब लाए। और हाँ, ये कुछ रुपए हैं, रख लो। शादी के खर्च काम आएंगे जी। मैं और चीज तो भी बता दें। धन्यवाद, धन्यवाद शब्द भी बहुत छोटा पड़ रहा है, आपको कैसे कहूँ। धन्यवाद की जरूरत नहीं, जैसे चांदनी आपकी बेटी वैसे ही मेरी। साहब आप यहाँ कैसी हो चांदनी?